नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्सर फॉरेन लोग भगवान श्री कृष्ण के क्यों भक्त होते हैं, श्री राम के क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर रहेगी, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट की। आपने देखा होगा कि अक्सर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा के लोग भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय सभ्यता को सम्मान देते हैं। दोस्तों, वहाँ के लोग जब हमारे देश में आते हैं तो हमारे देश में आपने देखा होगा कि कई संतों से मिलते हैं, संतों के पास जाते हैं, और जो संत, कई लोग तो संतों का ही बखान करते हैं, और जो संत जिस देवता को मानता है उसी देवता का बखान वो फॉरनर करने लगते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में कुल 13 ऐसे अखाड़े हैं जो भगवान शिव को मानने वाले हैं, साधुओं के 13 ऐसे अखाड़े हैं जो भगवान शिव को मानने वाले हैं। तो इन 13 अखाड़ों में जो भी विदेशी आते हैं वो विदेशी भगवान शिव के भक्त निकलते हैं और भगवान शिव के भक्त बनते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। श्री राम की भक्ति भी कई विदेशी करते हैं, जब उनको श्री राम के बारे में बताया जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ श्री राम के बारे में ही जानते हैं। अगर उनको श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही जानते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में 35 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उनकी पहुँच सिर्फ एक या दो देवताओं तक ही रहती है, और कई व्यक्ति तो ऐसे हैं हिंदू धर्म में जिनको वो पूछते हैं। जैसे साईं बाबा के कई आपको भक्त मिल जाएंगे, श्री राम के कई भक्त मिल जाएंगे, श्री कृष्ण के कई भक्त मिल जाएंगे। दोस्तों, ये तो यहाँ के साधु संतों के बताने के ऊपर है, हम जिसको जैसा ज्ञान दे दें वो उनका भक्त बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके ही विदेशी क्यों भक्त होते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा जब कोई लंदन या ब्रिटेन से आता है तो वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त निकलता है। वो हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस भजन का ही गीत गाता रहता है। तो दोस्तों, ये क्या है? दोस्तों, एक बार की बात है, जब गीता को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए साधु संतों ने अनेक आंदोलन किए। जब ये आंदोलन विदेशों में चले तब लोगों को जब गीता का ज्ञान दिया गया, क्योंकि गीता संक्षिप्त में थी और गीता को समझना आम आदमी के लिए आसान था। यहाँ तक कि जो रामायण थी, रामायण तो श्री राम की कहानी थी, और ये ऐसा माना जाता है कि जो श्री राम थे वो 14 कलाओं से संपूर्ण थे, और जबकि श्री कृष्ण थे उनमें 16 विद्याएं थी, तो वो संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो गीता से दिखती है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का सार लिखा गया है। इसीलिए शायद ब्रिटेन के लोग या अन्य विदेशी लोग श्री कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं और श्री कृष्ण को ही पहचानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण की पहचान न केवल भगवान के रूप में है, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व के रूप में है जिन्होंने अवतार लेकर इस धरती पर जन्म लिया और मनुष्य की भांति ही रहे, पूरे जीवन यापन किया, और एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में, मतलब एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही उन्होंने अपना जीवन इस पृथ्वी लोक पर ही गुजार दिया। तो दोस्तों, कई लोग गीता के उपदेश पढ़ते हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हैं और गीता का सार पढ़ते हैं। आपने देखा होगा विदेशों में गीता का जितना महत्व दिया जाता है तो शायद उतना रामायण को नहीं दिया जाता, क्योंकि रामायण में तो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सिर्फ अपने आदर्शों पर चलता है। वो 14 वर्ष का वनवास सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि उनके पिता ने कह दिया। अगर श्री कृष्ण की बात की जाए तो श्री कृष्ण जो थे वो 16 कलाओं से संपूर्ण थे, और वो एक आम मनुष्य की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, और उसकी तरह ही प्रपंच भी करते थे। किसी राक्षस का वध करना है, जैसे कि किसी भी मतलब, तो उन्होंने एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह प्रपंच किया। उनका बचपन भी ऐसा ही रहा, जैसे वो चोरी करके माखन खाते थे। तो एक व्यक्ति है,
वो उस तरीके की उनकी धारणा बन गई, तो व्यक्तियों ने मतलब वो ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित हुए। भगवान श्री कृष्ण जो थे उनका शुरुआत से यही रहता था कि वो लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित और मोहित करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को लोग इसलिए ज़्यादा मानते हैं, एक तो वजह आंदोलन रही और दूसरी वजह उनका खुद का व्यक्तित्व जो उनको गीता में जैसा दिखाया गया, दर्शाया गया है, क्योंकि गीता का ज्ञान ही उन्होंने दिया, गीता के उपदेश श्री कृष्ण की जुबानी है। माना जाता है कि गीता में जो भी लिखा है वो श्री कृष्ण की खुद की जुबान है, खुद का उन्होंने बताया हुआ ज्ञान है। तो दोस्तों, जो श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण की कहानी का वर्णन मिलता है, श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। इसलिए विदेशों में गीता के उपदेश और गीता को फेमस करने के लिए, श्रीमद् भागवत गीता को फेमस करने के लिए कई साधु संतों ने अभियान चलाया था, और इस अभियान में जब ये गीता पूरे विश्व में फेमस हो गई तब से लोग श्री कृष्ण को जानने लगे और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। आपने देखा होगा कई विदेशी आते हैं, वो हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस भजन के साथ घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। कई लोग तो यहाँ तपस्या करने आते हैं, कई लोग यहाँ का ज्ञान प्राप्त करने, धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, और वो धर्म का ज्ञान जब उन्हें प्राप्त हो जाता है तो फिर वो वापस तपस्या में लीन हो जाते हैं और भगवान का स्मरण करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अक्सर विदेशी लोग जो हैं, ब्रिटेन के लोग जो हैं, वो श्री कृष्ण को ज़्यादा माने जाते हैं, श्री कृष्ण के भक्त ज़्यादा दिखते हैं। तो दोस्तों, पहली वजह तो यही थी कि आंदोलन हुए विदेशों में, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, या ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, इन जैसे देशों में गीता का प्रचार हुआ, गीता का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन रामायण का प्रचार प्रसार विदेशों में थोड़ा कम हुआ। इसलिए श्री कृष्ण को ज़्यादा लोग मानते हैं, श्री कृष्ण को वहाँ के लोग ज़्यादा पहचानते हैं। और दूसरी बात, श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भी ऐसा था जो किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी अपने तरफ आकर्षित कर ले। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।